बच्चों वेलकम माय चैनल। मैं आज हिस्ट्री क्लास के मॉडल एक्टिविटी टास्क करा रही हूँ, हिस्ट्री का क्लास सिक्स का। ओके, क्वेश्चन मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे ने क्वेश्चन मैं जब करा रही थी तो वो भूल से मेरा क्वेश्चन लेके चले गए हैं, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ, तो आप आंसर करिएगा। ओके ठीक है, तो फर्स्ट का ट्रू होगा, सेकेंड का फॉल्स होगा, सी का ट्रू होगा। ठीक है, और सेकेंड नंबर में कॉलम ए एंड कॉलम बी में आप लिखेंगे, फर्स्ट का लिखेंगे कनिष्का, सेकंड का आप लिखेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट, और हर्षवर्धन का लिखेंगे हर्षवर्धना। ओके, एंड थ्री नंबर का क्वेश्चन एक्चुअली देखिए, मैं जो आंसर बता रही हूँ आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ऐसे ही आंसर लिखा जाता है, बट मेरे पास क्वेश्चन नहीं होने की वजह से मैं आज क्वेश्चन नहीं बता पा रही हूँ, बट आंसर एकदम एग्जैक्ट है, आप आंसर लिख के आप सबमिट कर सकते हैं। ओके, द तीन नंबर का एक नंबर, द एरिया इज विच द आर्यंस जनरली लिव्ड इन द नॉर्थन पार्ट विच दस कम टू बी कॉल्ड आर्यभट्टा, मीनिंग द एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम द हिमालयस इन द नॉर्थ टू द रिवर नर्मदा इन द साउथ इज कॉल्ड आर्यभट्टा। ठीक है, आपको दिख रहा है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रोटो हिस्ट्री इज द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ड्यूरिंग विच इज कल्चर इज कल्टिवेशन हैज नॉट येट डेवलपमेंट राइटिंग बट आउटर कल्चर्स हैव ऑलरेडी नोटेड इट्स एक्सटेंस इन देयर ऑन राइटिंग ड्यूरिंग ऑफ दिस पीरियड इज क्रिका 2500 BC एंड क्रिका 2600 BC। ओके, ये लीजिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट फोर नंबर का, मौर्यन एम्पायर अशोकास रॉक एडिटर इंस्क्रिप्शन आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लिबरेटरी सोर्सेस इलोगेस ऑफ मेनी रूलर्स हैव बीन सिमिलरली प्रिजर्व्ड इन राइटिंग दिस आर नोन एज This is known as prasasti, meaning eulogy or praise. Coin or seal also help to understanding the history of ancient Indian. Name and image of ruler are found engraved on coin. इसका चार का ए नंबर का आंसर ये है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, नाउ चार का बी नंबर, All the liberatory element used to write the history of Indian are mainly divided into two part, namely domestic literature and foreigner literature. Description of foreigner literature such as Greek, Roman and Chinese involves and tourist, however, foreigner literature has some problem. नंबर वन, इसका ये डिटेल्स देने के बाद में आप, ये बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है इसीलिए इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके अपने को लिखना है, पॉइंट देके जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, फॉरनर डिड नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट एज अ रिजल्ट दे मिसअंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ मेनी थिंग्स। ओके, नेक्स्ट सेकेंड नंबर, इसी का ही सेकेंड नंबर है, There was base in many writings. On the other hand, there are example of bases in the native literature. Next, उसी का ही है, last वाले question का answer है ये। इसमें देखिए, मैं आपको एक बात clear कर देती हूँ, इसका जो है one number, two number दिए हैं, उसका में से ही एक और number है, इसी का टू नंबर थ्री नंबर। ओके, तो प्रॉपर्टी ड्रामा डज नॉट नो मच अबाउट द लोअर सतारा एंड सोसाइटी। नंबर थ्री, द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द लिटरेचर आर फाइनेंशियल, नेवरलेस द लिटरली एलिमेंट आर इम्पोर्टेंट फॉर द हिस्ट्री
ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट स्पेशली द एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री. ओके मेडिवल हिस्ट्री. ओके दिस इज योर कंप्लीट हिस्ट्री. और मैं बच्चों मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, कुछ अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताइए. थैंक यू.